गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मेरे बेटे को आईसीयू में तीसरा दिन हो गया है और आज शायद वार्ड में लेके आ रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी बहुत परेशान हो चुका है कि मम्मा मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पर रात में नींद नहीं आती है। और आईसीयू में तो पता ही है आपको गाइस, नींद नहीं आती है। और भी पेशेंट होते हैं उसे देख के और बच्चा डर जाता है। मेरे बच्चे को जॉइंटिस बहुत ज़्यादा हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया उसे, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अभी हम वेट कर रहे हैं अपने प्राइवेट रूम का, और फटाफट हमें रूम मिलता है। जैसे ही रूम मिलता है हम रूम में जाएंगे। और ये है देहरादून का मैक्स हॉस्पिटल। बस हम चलते हैं लिफ्ट की तरफ और देखते हैं, हमें रूम मिल चुका है शायद। बोल तो रहे हैं रूम मिल गया है, आप आ जाओ चेकआउट कर लो। ये देखिए रूम मिल चुका है और हम लोग रूम के अंदर बैठ चुके हैं, मगर मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है और हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि मेरा बेटा फटाफट आए। और बस बहुत खुशी हो जाएगी, मेरा बेटा आज वार्ड में आ जाएगा आईसीयू से। तो हम लोग इंतज़ार देख रहे हैं, बस फटाफट मेरा बेटा फटाफट आ जाए और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी अपने बच्चे के, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये देखिए आईसीयू का दरवाज़ा खुल चुका है और मेरा बेटा आ रहा है। ये देखिए मेरा बेटा हमेशा मुस्कुराता रहता है मेरी तरह। बोलते हैं ना, हर दुख में हमेशा हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए मेरे बेटे के फ्रेंड्स लोग भी आ चुके हैं, और मैं उसे शूट नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरीटेट हो जाता है, उसे पसंद नहीं है कैमरे के आगे आना। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हम मॉर्निंग में आ गए थे 10 बजे, तब से हम भूखे हैं। और अभी बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कुछ खा लें। मेरे बेटे ने कहा, मम्मा आप लोग जाके कुछ खा लो, तब मैं बाहर अभी कैंटीन में आ रखे हैं और कैंटीन देखते हैं क्या खाते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपको आगे। लो तुम्हारे चुके हैं और आ चुके हैं हम लिफ्ट में। अब से चलते हैं वार्ड में, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।